नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके ट्रिक बाय ओंकार पर। और आज हम लोग टाइम एंड वर्क का ठेकेदारी का प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो हमारा ठेकेदारी का प्रश्न आप लोग बहुत ही सरल तरीका से बनाने के सीखेंगे। तो चलते हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पहला प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें से वह 200 व्यक्ति को नियुक्त करता है। उसको पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 कार्य पूरा हुआ, तो उसको निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन था कि पूरा समय जो था, टाइम जो था 150 था, को मैन रखा था 200 और काम हो रहा था 1/4। तो हम चलेंगे, हमारा समय था, आदमी था 200, समय था 50 दिन में वो देख रहा था कि 50 दिन में वो देख रहा था कि हमारा काम हुआ है 1/4। तो नीचे एक ऊपर में 4 चल जाएगा। तो अब चलेंगे, तो अब हमको और आदमी रखना है सीमित समय में। हमको तो 150 समय था, तो समय 200 + 1, यही हमारा आदमी रख दिए। हमको समय है और 100 दिन और बच गया है, तो 100 × 1/4 − 1 कर देंगे, तो 3/4, यही नीचे 3 चल जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा। तो 4 ऊपर से ऊपर हम कैंसिल करेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 हम कैंसिल कर दिए, 50 से 100 कैंसिल कर देंगे दो बार में, तो हम तिरछा गुना कर देंगे, तो 200 × 3 600 बराबर 400 प्लस 2x हमारा हो जाएगा, तो 2x बराबर 200, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 100। तो 100 व्यक्ति और रहेगा तो हमारा काम निश्चित दिनों में हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा कि टाइम एंड वर्क में ठेकेदारी का प्रश्न बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग के बीच हमारा दूसरा सवाल भी हम बनाने जा रहे हैं। तो एक ठेकेदार एक सड़क 100 दिनों में बनाने के लिए ठेका लिया, उसने 90 व्यक्ति को नियुक्त किया, 40 दिनों के बाद उसे पता चला कि निर्माण का 1/3 भाग ही पूरा हो पाया है। तदनुसार कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने व्यक्तियों को नियुक्त करना है। तो ये भी उसी तरह से हम बनाना है कि 100 दिनों को बनाने का ठेका लिया और 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया, और 40 दिनों के बाद पता चला कि भाग 1/3 भाग ही पूरा हुआ, और कितना, तो 90 + 1 भाग और लगेगा, तो टोटल समय था 100, तो 40 और 60 100 हो गया, 1/3 − 1 बराबर 2/3, तो 2 नीचे ऊपर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 40 हो जाएगा, 2 60 हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 90 × 180 या 180 × 360, 360 बराबर इससे गुना हो गया, तो 9 × 27 = 70 + 3x, तो 3x बराबर 360 − 270, तो 3x बराबर 90, तो x बराबर 30, तो 30 व्यक्ति और हम रखेंगे तो हमारा काम समय पर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा, आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हमारा अभी गिव अवे चल रहा है पेटीएम कैश का, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके आप इसमें भागीदारी ले सकते हैं। तो 20 रुपये का पेटीएम कैश जीतते हैं, और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो तीसरा क्वेश्चन है आप लोग के बीच, अगला प्रश्न कि
एक ठेकेदार किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा करने के लिए ठेका लेता है। उसने इस कार्य को 15 व्यक्ति को नियुक्त करता है। 36 दिनों के अंत में केवल आधा कार्य ही पूरा हो पाता है। इस प्रकार अपने समय के अंदर पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति को और नियुक्त करना है, तो नियुक्त करना है तो हमें और व्यक्ति को रखना पड़ेगा। तो 45 दिनों का ठेका लेता है तो 15 दिनों का कार्य 15 व्यक्ति को नियुक्त करता है, 15 व्यक्ति को नियुक्त करता है और 36 दिनों के अंत में वह केवल आधा कार्य पूरा होता है, आधा कार्य पूरा होता है और टोटल है 45 दिनों में उसको पूरा करना है। तो 15 प्लस 1 से यही 36 9 45 और 1/2 कार्य अभी और बाकी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक के 36 कैंसिल हो गया, 15 चौक के 60 है बराबर 15 प्लस 1 से, तो x बराबर 60 माइनस 15 x बराबर 45 व्यक्ति और रहेगा तो हमारा कार्य समय पर समाप्त हो जाएगा, समय पर समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से बहुत ही आसानी से हम लोगों ने ठेकेदारी वाला प्रश्न को बहुत ही हल्का हम लोग बना सके हैं और बनाएंगे। तो चौथा क्वेश्चन आप लोग, एक कार्य 124 दिनों में ठेका लेता है और उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किया है, तो 64 दिनों बाद उसे पता चलता है कि 2/3 कार्य पूरा कर लिया, तदनुसार वह कितनों व्यक्तियों को हटाए कि निश्चित समय पर कार्य पूरा होता है। तो सबसे पहले हम व्यक्ति को देखते हैं, तो 120 व्यक्ति 120 व्यक्ति था और 64 दिनों तक काम किया और 2/3 काज वो पूरा किया, 2/3 काज पूरा किया। अब 120 माइनस 1 हो गया और 60 दिनों में और चाहिए, ऐसे दोनों हमारा 124 दिनों तक कार्य किया था और दोनों का 2/3 माइनस 1 बराबर 1/3, तो 1/3 हो जाएगा। तो हम अब कर लेंगे कि 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 60 से 120 दो बार में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 64 बराबर 120 माइनस 1 तो 1 बराबर 56 हो जाएगा। 56 व्यक्ति को हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी तरीका से आ जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते। एक ठेकेदार 38 दिनों में एक काम को समाप्त कर देता है, तो उसके लिए 30 आदमी को काम पर लगाता है, 25 दिनों के बाद पाँच आदमी और काम पर लगा दे तो एक दिन पहले कार्य समाप्त हो जाता है। यदि अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाए गए होते तो काम कितने दिनों में समाप्त होता, तो हम पहले देखेंगे कि 30 दिनों तक काम पर लगाता है, तो 30 दिनों तक काम पर लगाता है और कितने दिनों तक काम चला है, तो 25 दिन 30 दिनों तक 25 व्यक्ति काम पर लगाता है, तो काम पर लगाता है तो बराबर 35 और 30 और 5 आदमी और रख दिया तो 35 हो जाएगा, 35 व्यक्ति काम करेगा और 12 दिन और कार्य करेगा, 12 दिन और कार्य करेगा, 12 दिन और कार्य करेगा। बारह दिन और कार्य करेगा तो हमारा कार्य आ जाना चाहिए, तो 30 × 75 750 ये हो जाएगा 420 आ गया, 420 420 तो हम दोनों को जोड़ देंगे और 30 कर देंगे। 30 दिन में हमारा कार्य समाप्त होना था 30 आदमी के साथ, तो जोड़ देंगे तो 0 5 2 7 7 4 11 30 कर दिए तो हमारा आंसर आ गया 39 दिन।
तो हमारा आ गया 39 39 व्यक्ति, 39 दिनों के बाद हमारा काम को समाप्त हो जाएगा, 39 दिन हमारा काम में समाप्त हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा परेशानी हुआ उसके लिए सॉरी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत ही आसानी से आप लोग के बीच देने की कोशिश करेंगे। किसी ठेकेदार ने एक कार्य को 90 दिनों में पूरा करने के लिए ठेका लिया और इस पर कुछ मजदूर लगाए, तो 24 दिनों के बाद पता लगा कि काम 2/7 भाग पूरा हो चुका है। उसने 2 मजदूर हटा दिए तो काम को निश्चित समय में पूरा हो गया, तो प्रारंभ में ठेकेदारों ने मजदूरों में कितने काम लगाए थे? तो हम पहले निकालेंगे, तो हमारा एक मजदूर था और 24 दिनों तक कार्य किया, 24 दिनों के बाद तक कार्य किया था, तो 2/7 कार्य पूरा हो गया था, 2/7 कार्य पूरा हो गया था। तो 1/2 का हम निकाल लिए, 1/2 हम निकाल लिए, तो हमारा अभी भी 66 दिन बाद काम बचा हुआ रह गया। और 2/7 - 1 करेंगे तो 5/7 कार्य अभी बाकी है, तो 5/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया हमारा, और 24 से 12 ये हो जाएगा 33, तो 3 से 11, 3 से 4, तो 4x/2 बराबर 11x-22/5, तो हम 2x कर दे सकते हैं, तो 10x/11x-22, तो x=22, 11x=22 हमारा मजदूर और काम पर। शुरू शुरू हमारा काम जो था 22 मजदूरों के साथ कार्य चालू हुआ था। तो अब अगला प्रश्न आप लोग के बीच रहेगा, तो अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, सवाल है कि एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम को पर लगाता है। 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 भाग ही सड़क बन पाता है। ठेकेदार कितने और आदमी को काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले समाप्त हो जाए? तो 40 दिनों के लिए ठेका लेता है, तो 24 दिनों 25 आदमी को काम पर लगाता है, तो 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि 1/3 कार्य ही उसे पूरा होता है, तो और कितना व्यक्ति रखेगा? तो 25 + 1 ये काम पर रखा और कार्य समाप्त होने का 4 दिन पहले, तो 36 दिन, तो 24 दिन पहले हो चुका है, तो 12 दिन और, तो 12 दिन और, तो 1/3 - 1, तो 2/3 भाग और बचा रह गया, तो 2/3, तो 2 से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 12 से 24 कैंसिल हो गया दो बार में, तो 2 से 2, 25 × 50 और 50 × 100, तो 100 = 25 + 1, तो x = 75 व्यक्ति को और रखेंगे, तो हमारा नियत अवधि से 4 दिन पहले हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने ठेकेदारी वाले सवाल को बहुत ही आसानी से हम आप लोग के बीच रखा। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते कीजिए, और गिव अवे में पार्टिसिपेट कर कर 20 रुपये का पेटीएम का जीतना ना भूले। तो हमारा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।